Good morning and welcome to my channel Unite for Knowledge. Our today's topic is matter, matter around us. We are talking about the first chapter of class 9th. So what is matter? Matter, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं. नॉन लिविंग थिंग्स में भी what is matter? Matter is anything that occupies space and have mass. यानी कि उसके पास कुछ मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि हमारे नेचर में कुछ ना कुछ स्पेस उसने घेरी हुई है, प्लस उसका कुछ ना कुछ मास है, चाहे वो बहुत कम ही क्यों ना हो, होना चाहिए, तभी उसे हम मैटर बोलेंगे, राइट. तो अर्ली फिलोसोफर्स, इंडियन फिलोसोफर्स की अगर हम बात करें तो मैटर को उन्होंने क्लासीफाई किया था 5 तत्वों से, कि भाई 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं मैटर में, 5 ही चीज़ें हो सकती हैं. क्या क्या हो सकता है? एयर, वाटर, लैंड, फायर एंड स्काई. ये 5 तत्व हो सकते हैं, इसमें क्लासीफाई किया था. उसके बाद मॉडर्न हमारी साइंस आई, उन्होंने 2 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. मतलब 2 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं. एक कह रहा है मैटर जो है कॉन्टिन्यूस है. मतलब क्या कि अगर कोई भी मैटर है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो कॉन्टिन्यूस है, यानी कि उसको ब्रेक डाउन करके उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में बांटा नहीं जा सकता, राइट. और एक ग्रुप बोल रहा था कि मैटर जो है पार्टिकुलेट है. पार्टिकुलेट मतलब, पार्टिकुलेट का मतलब ये है कि जो भी मैटर है उसको हम तोड़ के उसकी छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. उसकी छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट आया, हमने एक्सपेरिमेंट किया. क्या एक्सपेरिमेंट किया? एक्सपेरिमेंट नंबर 1.1 पढ़ लेना आप, ठीक है. मैं बता देती हूँ थोड़ा सा. हमने एक बीकर में पानी लिया, ठीक है, बीकर में हमने पानी लिया है, वाटर लिया है. उसमें हमने 1 स्पून नमक डाला है, यानी कि सॉल्ट. सॉल्ट या शुगर कुछ भी डाल सकते हैं, हमने सॉल्ट डाल लिया मान लो. हमने इसमें 1 स्पून टीस्पून शुगर डाला और उसको हिला लिया, मिक्स कर लिया. मिक्स करने के बाद क्या होगा? स्टर करके अगर हमने मिक्स किया तो वो पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें समझ में आई, यहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं. पहली चीज़, जितना वाटर मार्क था पहले उतना ही वाटर मार्क अभी भी है, ओके. सेकंड थिंग, जो शुगर थी अगर वो कॉन्टिन्यूस होती तो वो शुगर ऐसी की ऐसी रहती, डिजॉल्व नहीं होती, राइट. लेकिन शुगर जो थी पार्टिकुलेट थी, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई. छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने के बाद क्या हुआ? जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, शुगर के पार्टिकल, उनके बीच में जाके फिट हो गए, राइट. यानी कि ये शुगर के पार्टिकल्स पहले ब्रेक डाउन हुए, अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हुए, इनको हमने पार्टिकल कहा जो छोटे छोटे बने, और वो पार्टिकल्स कहाँ जाके फिट हो गए? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर के बीच में जाके ये फिट हो गए, राइट. तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि मैटर जो है कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, पार्टिकुलेट है. अगर कॉन्टिन्यूस होता तो वो डिजॉल्व नहीं होता कभी भी, वैसा ही रहता जैसा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस ने कहा, क्या कहा था, इसको तोड़ा नहीं जा सकता. बट अभी तो टूटा ना, पार्टिकुलेट, पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हुआ, तो मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर, राइट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि ये कितने छोटे हो सकते हैं. सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी. हम ये बात कर रहे हैं हाउ स्मॉल आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर, राइट. तो हम कितने छोटा है उसकी बात कर रहे हैं. तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाते हैं, एक्टिविटी नंबर 1.2. हमने क्या किया? 100 ml ऑफ वाटर लिया. इस 100 ml वाटर में हमने 2 से 3 क्रिस्टल डाले हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के. व्हाट इज पोटेशियम पर मैग्नेट? पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला सबसे पहले तो KMnO4, राइट. इसको इसी तरीके से लिखना है, K मतलब पोटेशियम, Mn मैंगनीज, O ऑक्सीजन, 4 मॉलिक्यूल्स, राइट. तो KMnO4 क्या है? सॉल्ट है, क्रिस्टल्स हैं. इसके सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं पर्पल कलर के, यानी कि अगर हम इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे तो पानी जो है पर्पल कलर का हो जाएगा, राइट. तो ये वाटर जो है पर्पल कलर का हो गया, इसमें हमने ये पोटेशियम परमैंगनेट डिसॉल्व कर दिया, तो पर्पल, डार्क पर्पल रहेगा, राइट. हमने क्या किया? इस पूरे सॉल्यूशन में से 10 ml
सॉल्यूशन निकाला और साफ पानी में डाला, यानी कि क्लियर वाटर में हम लोग डाल रहे हैं, हमने डाला तो क्या होगा, इसके मुकाबले इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, राइट। सेम अगर मैंने इसका 10 ml निकाल के साफ़ पानी में डाला तो ये और लाइट हो जाएगा, फिर इसका मैंने 10 ml निकाल के साफ़ पानी में डाला तो वो और लाइट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम करते जाएंगे 5 to 8 टाइम्स, मतलब हमें डाइल्यूट करते जाना है, और हम ये देखेंगे कि वाटर जो है अभी भी कलर्ड आ रहा है, मतलब हमने यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, उसका हम 10 ml आगे डाल रहे हैं, फिर भी वाटर जो है कलर्ड आ रहा है, राइट। तो वाटर जो है कलर्ड आया, इसका मतलब क्या है, मतलब 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ने इतना सारा पानी जो है कलर कर दिया, इतने सारे पानी में कलर कर दिया, पर्पल कलर अभी तक आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, राइट। मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं जो अब तक पानी को कलर करते जा रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, राइट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड दे आर बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कितने छोटे हैं, राइट। So this was all about today's lecture. In the next lecture, we will be talking about characteristics of particles of matter. If you like the video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.